जय अम्बे मोबाइल रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। ये रियल मी एट फाइव जी का फ़ोन है। इसमें वाटर डैमेज के प्रॉब्लम्स थे बहुत सारे, उसकी वजह से डिस्प्ले और मदरबोर्ड में हमें काम करना पड़ा। और ये है अपना जूना डिस्प्ले, जिसका हमने यहाँ भी थोड़ा काम करके देखा, ये वाटर डैमेज ऐसा हो गया था। हल्का सा हीट मार के देखा तो भी उसको रिकवर नहीं हुआ, चार्जिंग आईसी डाली तब जाके रिकवर हुआ। और उसके बाद हमें डिस्प्ले भी डालना पड़ेगा, और ये डिस्प्ले जो है वो हमने डालते हैं। ओके चलो, ये हुआ डिटेल्स। अब इसको जो भी है कंप्लीट करते हैं और इसको चिपकाते हैं। डिस्प्ले जो भी नॉर्मली गम है उसको कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, वो डिटेल में बताएंगे अपने। और हल्का हल्का लिक्विड है या फिर क्या है देखते हैं, ये पानी की वजह से होता है या पहले से गम लगा होता है उसकी वजह से होता है, सब डिटेल में बताएंगे। कहाँ कितना गम और कैसे लगाना होता है, जूना गम होता तो वो कैसे निकलता है, ये सब डिटेल में बताने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हो नॉर्मली जो भी गम लगा है कैसे निकल रहा है और क्या होता है। अच्छे से काम करोगे तो दोबारा जो गम लगेगा वो अच्छे से फिटिंग होगा और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो इस हिसाब से हमारा काम है। यहाँ जो एक्स्ट्रा गम लगाता है उसको इजीली निकालना होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खुला है मोबाइल। जो नया गम लगेगा वो आप देख सकते हो यहाँ थोड़ा पानी जैसा लिक्विड जैसा गिरा हुआ है, इसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा तो डैमेज कर सकता है। देख सकते हो यहाँ पूरा लिक्विड जैसा था, हमने उसको अच्छे से साफ कर दिया है। अब साफ करने के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये न्यू है, अभी हाल में नया ही है, उसका ओपनिंग भी कर देंगे अपने। जैसे कि आप देख रहे हो अगर ये नोज खराब नहीं हुआ होता, जो गम लगाने की टेक्निक होती है बड़ी इजी हो जाती है। अगर आगे का पॉइंट खराब हो जाएगा तो जो टेक्निक है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने गम निकालना होता है उस हिसाब से गम निकलता ही नहीं है। ओके, अब देख सकते हो हमने कितना इजीली ये काम किया है, बहुत इजी। इसीलिए बार बार बोलते हैं अगर सेफ्टी से काम करोगे तो बेटर होगा, नहीं तो काम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। आप देख सकती हो ये कैमरे के ऊपर सेफ्टी पर्पस के हिसाब से दिया जाता है, अगर इसमें धूल मिट्टी कुछ भी होता है जो कैमरे का रिजल्ट आने वाला है वो सही से नहीं आता है। इसलिए जब आप लगाने वाले हो तभी इसको हटाइए, उसके पहले मत हटाइए। पहले हटा दोगे उसमें धूल मिट्टी बैठ जाएगी तो जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सब सेफ्टी पर्पस है। जैसे कि हम अपने डिस्प्ले भी चिपकाने वाले हैं तो उसके पहले जो है डिस्प्ले ये जो गैप वाला भाग है वो कैसे लगेगा, क्या लगेगा, वो सब सेफ्टी के हिसाब से इसको इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि ऐसे अब हम इसको कैसे लगाने वाले हैं वो भी डिटेल में बताएंगे। आप देख सकते हो ये बेल्ट को पूरे अच्छे से अंदर तक जाने देना है। अगर ये अच्छे से अंदर तक नहीं जाएगा, जो डिस्प्ले का हमारा रिजल्ट मिलने वाला था जैसे कि ये अंदर जाने वाला, वो नहीं मिलेगा और ये अपनी जगह पे सही से नहीं बैठेगा। अगर बेल्ट ऊपर नीचे ज़्यादा होता तो हमें फिर से डिस्प्ले निकाल के खींचना पड़ता, और उसमें क्या होता है डिस्प्ले डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए गम निकालते समय सबसे पहले हमें कनेक्टर को इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि हम लोग हर बार बताते हैं आपको कि इसको पहले इंस्टॉल करना है, इसकी वजह से अपने क्या करना है।
सर बाय चांस आपको अगर ऐसे लगाना पड़ता है तो किस हिसाब से लगाना है वो देख लीजिए, ये जो कंपनी का फिटिंग है वह कैसे होगा, और जहाँ नहीं लगा है वहाँ ऐसे लगाना है, ओके। और हल्का हल्का यहाँ लगा दो तो बेटर होगा क्योंकि उसको कवर करेगा। अब देख सकते हो हमने किस हिसाब से इसका फिटिंग किया और कैसे काम किया है। अब इसको कंपनी जैसा फिटिंग करेंगे एकदम चकाचक वाला, और इसमें आप देख सकते हो ये बॉर्डर मैच करना होता है अच्छे से, बॉर्डर मैच नहीं होगा तो फिटिंग नहीं आएगा, फिटिंग नहीं आएगा तो ऑप्शन सही से यूज़ नहीं होगा, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा हमने इसको ऑन ही नहीं किया अभी तक, और ये हो गया सही से ऑन, ओके। और इसमें डालेंगे हम सिम ट्रे, और आप देख सकते हो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, और लपट दीजिए लपट का भी हो गया है, देख लीजिए देखो। हाँ जैसे कि आप देख रहे होगे लब्बर कैसे लगाना है क्या लगाना है वो बता दूँ, लब्बर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, खाली ज़बरदस्ती दो या तीन राउंड मत खींचिए, अगर खींचोगे तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए एक या दो राउंड में ही पट जाना चाहिए, ओके। और देख सकते हो ऐसे में अगर आप दो से तीन भी खींचोगे तो भी हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ हल्का सा इसको कवर करने के लिए हमें बस एक और लंबर दो लंबर जैसे कि आप देख रहे हो पूरी तरीके से लंबर से इसलिए कवर किया गया है क्योंकि ये है Realme 8 5G, ओके। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।